कल दुबई जा रहा हूँ। अम्मी ने बताया होगा तुम्हें, अच्छी जॉब है। तरक्की के चांसेस भी हैं, सैलरी भी अच्छी है। इतनी अच्छी है कि मैं अपनी बीवी की हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। आयमा, मकान मैंने तुम्हारे नाम कर दिया, ये उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। जानता हूँ वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर ये रख लोगी तो मेरे पछतावों में से एक पछतावा तो कम होगा। जितनी ज्यादतियां मैंने तुम्हारे साथ की हैं, उनका मुदावा जिंदगी में तो मुमकिन नहीं है, इसीलिए तुम्हारी आंखों से दूर जा रहा हूं ताकि बेखौफ होकर अपने मकसद को हासिल करो। मामू ने डाइवोर्स पेपर बनवा लिए, जाने से पहले मैं उन पे साइन करके जाऊंगा ताकि तुम जब चाहे इस बेनाम ताल्लुक को खत्म कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगी तो अच्छा होगा। तुमने मेरा सिर्फ पूरा रूप देखा है ना, अब मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूं, और इस अच्छा बनने के सफर में अगर तुम्हें हासिल करने की जुस्तजू होगी तो आसानी होगी। मैं भटक जाऊंगा। मेरा साथ दोगी? तुम्हारा क्या हुआ हर वो जुल्म याद है मुझे, भूली नहीं। कितनी रातें गिनवाऊं बताओ, कितनी बातें गिनवाऊं। मेरी जिंदगी का वो एक एक लम्हा, एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, हाँ
छोड़ो ये सब बातें। पुरानी बातें भूलने की कोशिश करूंगी। लेकिन अगर ना भुला सकी तो मुझसे शिकायत मत करना। क्योंकि मुझ पर से सारे हक अब तुम खो चुके हो। मेरे लिए इतना ही काफी। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है रजा तुम क्या कह रहे हो? मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया अमदान। क्या फैसला? कैसा फैसला? और तुम्हें क्या लगता है ये दुनिया तुम्हारे फैसलों के मुताबिक चलती है क्या? दुनिया का पता नहीं लेकिन तुम हमेशा मेरा साथ देते हो, हर मौके पर, हर जगह। आखिरी बार दे दो। हमेशा दिया लेकिन अब नहीं दूंगा। आई कांट हेल्प यू एनी मोर रजा, प्लीज। अगर तुम ऐना को डिवोर्स दे दोगे तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सो उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा। मैं मोहब्बत करता हूं उससे यार, और वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। दरमियान में जो कुछ हुआ अगर उसको थोड़ी देर के लिए भुला दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है हमदान। रजा तुम्हें क्यों लगता है कि जो तुम चाहोगे जब चाहोगे वैसा ही हो जाएगा? क्योंकि ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो सकता है। हैना को मेरा साथ मिल जाएगा, मेरी मोहब्बत मिल जाएगी और गुड़िया को तुम्हारी। सब वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था। तुम एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो अमदान। अगर तुम ये कर लोगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। ये आखिरी बार अमदान, तुम प्लीज मेरा इस चीज में साथ दो। इसके बाद दोबारा मैं कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। मैं दोबारा कभी तुम्हारी मदद करूंगा भी नहीं, और इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसा ऐना चाहेगी वैसा ही होगा, और मैं ऐना का फैसला मानने पर मजबूर हूं। और अगर ऐना खुद तुमसे डिवोर्स मांगे तो? कहा ना, ऐना का फैसला सर आंखों पर। तो ठीक है, ऐना खुद तुमसे बात करेगी, क्योंकि मैं जानता हूं वो मुझसे अभी भी मोहब्बत करती है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझे माफ ना करे। इट्स डन। तुम्हारी मोहब्बत तब कहां थी रजा, जब ऐना सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना घर बार सबको छोड़ के तुम्हारी खातिर यहां आई थी? तब कहां थी मोहब्बत तुम्हारी? उसी गलती की कड़ी सजा भुगत रहा हूं मैं, और ऐना को हासिल करने से मुझे अब कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका पार्सल आया ऐना महमूद के नाम से। सिग्नेचर करते हैं इसमें। थैंक यू सो मच।
ऐना, इतने प्यारे फूलों की ऐसी नाकदरी, बहुत बुरी बात है। इतनी संगली तो तुम कभी नहीं थी। प्लीज ले जाओ उन्हें यहाँ से, मैं नहीं देखना चाहती ये फूल। क्यों? इतने प्यारे फूल हैं, तुम्हें भेजने वाले पर गुस्सा है या खुद पर गुस्सा है? और ये क्या, तो दिलावर भाई की शादी की पिक्चर्स हैं, ये तुम्हें किसने भेजी? रजा ने। रजा ने भेजी? क्यों? तुम तो हमदान भाई के निकाह में हो, क्या चल रहा है ये सब कुछ बताओगी? बताने को कुछ है नहीं, मैं बस अपने हालात और किस्मत के चक्कर काट रही हूँ। अब तो अपनी बदनसीबी पर मुझे ना रोना आता ना दिल दुखता मेरा। तुम्हारा हमदान भाई से कोई राबता हुआ है? क्या कहूं मैं उनसे? आने से पहले उनसे जो ताल्लुक था वो खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से हम साथ थे। क्या कह रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना? मुझसे शादी से पहले हमदान रजा की बहन में इंटरेस्टेड थे। दोनों की मंगनी हो चुकी है और अब बहुत जल्द उनकी शादी भी हो जाएगी। और तुमने इतनी आसानी से अपनी जगह छोड़ दी? जबरदस्ती शामिल होने वालों के लिए जिंदगी में तो जगह बन जाती है अम्मा, दिलों में कभी नहीं बनती। और अगर मैं इतनी खुशनसीब होती तो रजा की बातों में आकर घर से कदम उठाकर मैं इतनी रुस्वा नहीं होती। ना मेरी जान, तुम इन सब बातों को बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह सब ठीक कर दे।